सो दिस इज लक्ष्मण झूला, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे राफ्टिंग वगैरह। Welcome back to my channel and today is second day and I'm here in Rishikesh as I told you in my last vlog when I was in Mussoorie. So, aaj hum Rishikesh pahunch gaye hain. Right now it's 4 o'clock. वैसे तो लेट ही हो गया है अभी राफ्टिंग वगैरह के लिए भी ज़्यादा टाइम है नहीं. Let's see where we go. We will have something to eat first because we are so hungry here. So, चलते हैं देखते हैं क्या होता है. आज शायद हम आरती के लिए भी जाएं बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि हमें हरिद्वार जाना था और हमारा कैंसिल हो गया था. सो वी ईगरली वॉन्ट टू गो टू सी एंड टू अटेंड आरती. सो लेट मी शो यू माई होटल फर्स्ट. दिस इज़ वेरी गुड प्रॉपर्टी एंड फॉर स्टूडेंट्स एंड जिन्हें हॉस्टल वगैरह लेना होता है बिल्कुल एकदम रीजनेबल प्राइस पे वो भी यहाँ अवेलेबल है. ओके सो मैं बैठ गई हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि हम मसूरी से ऋषिकेश आए हैं एंड इट टुक अराउंड 2.5-3 घंटे आई थिंक. एक्चुअली डायरेक्टली अगर देहरादून से किसी को दिल्ली जाना है ना तो उसका अलग रास्ता कटता है, बट अगर ऋषिकेश आना है तो उसके लिए अलग रास्ता कट रहा था. तो हमें ऋषिकेश आना ही था. टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी, मोर ऑफ हॉस्टल ही लग रहा था क्योंकि यहाँ पे वैसे वाले बेड्स थे जहाँ पे में 2-3 बेड्स होते हैं जॉइंट वाले. तो आई थिंक 500-600 में आपको एक बेड मिल जाता है, बट हाँ बाकी चीज़ें आपको पेड हैं, आपका जो लंच डिनर जो भी है, बट रीजनेबल प्राइस पे ही है. इट्स गुड. मैं आपको टूर करा देती हूँ कैसा लग रहा है मेरा रूम. अभी कुछ खाने चलते हैं और देखते हैं क्या करते हैं. आई लव अपडेट यू सून. सो वी हेडेड टूवर्ड्स द लक्ष्मण झूला और उसके बीच में रास्ते में हमें एक बहुत अच्छी मार्केट दिखी जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें थी बाय करने के लिए, कपड़ों से लेके हैंडीक्राफ्ट से लेके एवरीथिंग वाज अवेलेबल देयर. लक्ष्मण झूला आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे राफ्टिंग वगैरह भी हो रही है, गंगा जी नीचे बह रही है. तो ये छोटा झूला है, इससे बड़ा है राम झूला, वहाँ पे भी जाएंगे. देखते कब जाते हैं. You look into my eyes and fell off really. Then nothing got a dream like a sweet night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow's lonely. Oh yeah, the moment. And iske baad, because we were so hungry, to hum ek restaurant gaye. और ये जो रेस्टोरेंट था वो बिल्कुल ही साइड पे था लक्ष्मण झूला के जस्ट साइड पे. सो अंदर पहुंचते ही एक बहुत ही अच्छी सी वाइब आई एंड द रेस्टोरेंट वाज वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड था.
एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि ये बिल्कुल ही गंगा किनारे था, तो आपको एक बहुत ही अमेजिंग व्यू मिल रहा था एंड वी कैन सी पीपल डूइंग राफ्टिंग एंड लक्ष्मण झूला भी बिल्कुल सामने ही था, तो इट वॉज सच अ ग्रेट व्यू। और इसके बाद हमने बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्स खींची वहाँ पे। और शाम होते ही ये लक्ष्मण झूला ऐसे जगमगाने लगा और ये नज़ारा ही एकदम अमेजिंग था। और हम गंगा किनारे ऐसे ही बैठे हुए थे, देन वी रियलाइज कि आरती का टाइम हो गया है एंड वी वर सो लकी कि हमें आरती अटेंड करने का अवसर मिला। गाइज गुड मॉर्निंग, दिस इज डे नंबर 3 एंड आज हम ऋषिकेश से निकल गए हैं क्योंकि मेरी सिस्टर को, जो मेरी एल्डर सिस्टर थी मेरे साथ, उनको दिल्ली के लिए निकलना था। क्या था कि सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा क्राउड था एंड इट वॉज हार्ड टू फाइंड होटल्स देयर, तो हमने एक नई जगह हमने रिसोर्ट लिया विच इज बिटवीन ऋषिकेश एंड हरिद्वार। तो अगर किसी को हरिद्वार भी जाना हो तो वो जा सकता है और ऋषिकेश से थोड़ा सा दूर है एंड दिस रिसोर्ट इज़ वेरी गुड एंड दिस इज़ सो कामिंग बिकॉज ये एक बिल्कुल ही जंगल के बीच में है रिसोर्ट। तो एक्चुअली क्या था ना, दो दिन इतना ज़्यादा हैक्टिक हो गया था ना, बिल्कुल मतलब घूमना फिरना और ऋषिकेश इतना ज़्यादा क्राउडेड हो गया था वीकेंड पे, तो वी थॉट ऑफ कि चलो किसी एक ऐसी जगह रिसोर्ट वगैरह में स्टे करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा चिल कर सकें। तो ये हमारा रूम है और ये हम हैं और यहाँ पार्टी नहीं हो रही है, मतलब ये हमारा रूम है, तो इतना बड़ा नहीं है, इट्स अ ओके रूम। तो मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको। तो दिस इज द व्यू, अब सामने देखो कितना, मतलब आसपास कुछ भी नहीं है, एकदम शांति है। तो ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप मॉर्निंग में बैठ के या फिर शाम को बैठ के चिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आके एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। वी आर फीलिंग सो रिलैक्स हियर। यस आई लाइक दिस रिसोर्ट अलॉट बिकॉज दिस इज़ फार फ्रॉम द मेन सिटी, फ्रॉम द ऋषिकेश सिटी, बट मेरा था मन ऋषिकेश में ही रुकने का। सबसे अच्छी बात गंगा घाट पे ही हमने आरती कर ली, तो वो वाला जो फील था ना वो अनएक्सपेक्टेड था। या घूम भी लिए थे लक्ष्मण झूला देखा था। हाँ राम झूला लक्ष्मण झूला ऑलमोस्ट सेम ही होता है, वो थोड़ा छोटा होता है वो बड़ा होता है। राफ्टिंग करनी नहीं थी तो आज हमने सोचा इस आखिरी दिन में हमें रिलैक्स करना है, बहुत भागम भाग होगी ना क्योंकि आप घूमने आते हो तो यू नीड योर टाइम या रिलैक्सिंग टाइम। और जब हम अभी कुछ टाइम बाद अभी बाहर जाएंगे थोड़ा सा स्विमिंग वगैरह करेंगे, देन आई विल शो यू हाउ इट लुक्स। चलो सी यू सून, बाय।
और मॉर्निंग में जब मैं उठी तो बालकनी से मुझे बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा था। चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही थी। इट वॉज सच अ पॉजिटिव मॉर्निंग फॉर मी। लेट मी टेल यू कि ये रिसॉर्ट बहुत ही अच्छा था। द बेस्ट पार्ट इज ये जंगल के बीच में था और ये जंगल जो है विच इज राजा जी नेशनल पार्क। तो यहाँ पे दिस इज फेमस फॉर द एलिफेंट्स। तो यहाँ पे सफारी भी होती है, जंगल सफारी, जिसको करना है वो कर सकते हैं। बट वी डोंट हैव मच टाइम तो हम नहीं कर रहे हैं। बट इट्स वेरी काम। आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस रिसोर्ट का लिंक और जो ऋषिकेश में हमने होटल लिया था उसका लिंक। दोनों का ही लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन चेक इट आउट एंड इन फ्यूचर इफ यू वांट टू गो एंड रिलैक्स यू कैन चेक इट। आई एम जस्ट एंडिंग दिस ब्लॉग हियर। सो आई एंजॉयड द ट्रिप अ लॉट। सो आई होप यू विल ऑल्सो एंजॉय इट आफ्टर सीइंग माई होल ब्लॉग। So I am ending it here. So thanks for watching my video. And if you really liked it, please like this video and subscribe to my channel. Or yeah, वो जो bell icon है वो भी आप press कर देना ताकि आपको बहुत अच्छी अच्छी नए vlogs और videos मिलती रहे। So take care and see you soon in my next video. Bye bye. आप भी bye कर दो। Bye. Bye. Bye के चक्कर में बोल रहा था। Bye.